फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय आराम सबको हाय कर रहे हैं। आराम आ जाओ, सबको हाय कर दो। हाय आराम हाय कर दो। हाय सबको फ्लाइंग किस भी कर दो। सो मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी। एक्चुअली मेरी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स हो रहे हैं अभी, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो अभी बेड रेस्ट पर है, टोटली बेड रेस्ट पर है। तो मुझे अपने घर जाना पड़ रहा है अभी, मतलब मैं अभी अपने घर से आई हूँ 2-3 दिन रह कर अभी। तो घर पर मेरे यहाँ पर मतलब काम ज़्यादा फैल गया था। वैसे तो मेरी काम वाली आंटी सारा काम कर देती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, पर कपड़े वगैरह बहुत हो गए थे तो इसलिए मेरे को बहुत धोने आना पड़ा। तो मैं आज ही आई थी और अब मैं कल वापसी चले जाऊंगी। एक्चुअली मम्मी जो है सारा काम नहीं कर पाती हैं, मम्मी भी बीमार रहती हैं, तो इसलिए मुझे मम्मी की हेल्प कराने जाना है। तो अभी मैं कल वहाँ पर जाऊंगी। तो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं डाली थी, तो मुझे लगा था कि मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रही हूँ काफ़ी दिन से। तो मैंने सोचा कि अब आज मैं अपना डिनर रूटीन शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैंने डिनर रूटीन आप तो मतलब यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था। तो आज मैं अपना डिनर रूटीन शेयर करूँगी और मैं आज खाने में दाल चावल बनाऊँगी, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और आसानी से भी बन जाते हैं। तो चलिए हम खाना बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए चीला बनाया था बेसन का, जो कि उसने इतना ही खाया है। खाने में थोड़ा परेशान करते हैं बच्चे उसको, मैं मोस्टली जो है खाना पहले ही खिला देती हूँ, उसके बाद हम खाते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख जल्दी लग जाती है, तो इसलिए मैं उसको पहले ही खाना खिला देती हूँ। तो दाल में मैंने तड़का लगाने के लिए ये टमाटर जो है उसको कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, और प्याज जो है मैंने चॉप कर लिया है, इसको मैंने रफली चॉप किया है, और गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिली भी मैंने इसके साथ ही चॉप कर लिया। अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। दाल मैंने बॉईल करके रख ली थी, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसको मैंने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था पहले ही। प्याज मेरी हो गई है गोल्डन ब्राउन, और मैं इसके अंदर ही अपने टमाटर डाल दूंगी। हाँ जी, क्या रू ज्यादा नहीं कहते बाबू। टमाटर भी मेरा पक चुका है अच्छे से, अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी अपने। ये
मैं इसके अंदर रेड चिली डाल रही हूँ। हल्दी तो मैंने पहले ही डाल ली थी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। अब अच्छे से मैंने जो है तड़का अपना बना लिया है और मैं इसके अंदर इसमें दाल डालूंगी। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर ये हरा धनिया जो है डाल रही हूँ काट के, डायरेक्टली इसके अंदर मैं काट रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और बिना हरा धनिया के तो दाल बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगती। वैसे हमें हरा धनिया अपने हर खाने में ऐड करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी पौष्टिक होता है। जो दाल है मेरी बनके तैयार हो गई है, अब मैं इसको एक साइड कर लेती हूँ और अब मैं चावल चढ़ा दूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम भी हो रहा है, तो चावल चढ़ा लेती हूँ मैं। मेरी देखिए दाल तैयार है, ये देखिए अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो मैंने ये चावल भी अपने चढ़ा दिए हैं और दाल भी बनके तैयार हो गई है। और मैं ये क्लीनिंग भी साथ साथ कर लेती हूँ ताकि आगे का जो काम है वो बढ़े ना।
रखना। तो ये हमारा जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी है। ये दाल चावल मिक्स दाल बनाई है मैंने। मैं मैक्सिमम मिक्स दाल ही बनाती हूँ ताकि सारे जो पौष्टिक है वो एक साथ ही मिल जाएं। तो ये दाल राइस बनाए हैं मैंने। ये मेरे हस्बैंड का खाना है, ये मेरा खाना है और ये मेरे बेटे का खाना है। इतना सा ही खाता है, उसमें से भी वो आधे ही खाएगा आधे फेंक देगा। और ये हमारी सैलेड है। तो दाल चावल के साथ मुझे सैलेड खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये गाजर टमाटर और प्याज का सैलेड काटा है। तो अब हम खाना खाते हैं। हमारा भी खाना हो गया है। अब मैं खाना खाने के बाद वॉक कर रही हूँ घर में। मैं खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करती हूँ और टाइम हो गया है अभी 12 बजने में 10 मिनट है। और मुझे भी बर्तन भी साफ़ करने हैं, पूरा किचन क्लीन करना है। मेरा किचन पूरा मैसी हो रखा है। और मैं खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये डिनर रूटीन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आराम आए कर रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं हमें। हाय हाय कर दो, कर दो हाय एवरीवन। अरे हाय कर दो, कर दो, हाय कर दो। अच्छा बाय करने का टाइम हो रहा है। अच्छा बाय कर दो सबको, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो सबको। अच्छा सबको गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बोल दो, गुड नाइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा डिनर रूटीन कैसा लगा। सो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।